दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प ने राजनीतिक रंग ले लिया है। सोमवार को एबीवीपी की तिरंगा यात्रा के बाद मंगलवार को लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में सीताराम येचुरी, डी राजा और जेडीयू के केसी त्यागी ने भी हिस्सा लिया है। इससे पहले कन्हैया कुमार भी इन छात्रों के समर्थन में रामजस कॉलेज पहुंचा। इस दौरान वहां हम होंगे कामयाब के नारे लगे। रामजस कॉलेज में हुए विरोध मार्च और मार्च के राजनीतिकरण पर एक्टर अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा, इंटॉलरेंट गैंग की वापसी, पुराने चेहरे, नए स्लोगन। पिछले साल जेएनयू में कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला था। उस वक्त देश में असहिष्णुता को लेकर लंबी बहस छिड़ी। हालांकि बाद में ये मामला और बहस दोनों ठंडे पड़ गए, लेकिन अब अनुपम खेर के ट्वीट के बाद एक बार फिर असहिष्णुता पर बहस शुरू हो सकती है।